बिग बॉस 16 का ग्रैंड फिनाले आज बाहुबली 2 को टक्कर देने के बेहद करीब पठान। बिग बॉस 16 के ग्रैंड फिनाले की घड़ी बहुत नजदीक है। 134 दिनों तक चले इस शो का सफर आज खत्म हो जाएगा और यह क्लियर होगा कि सीजन की ट्रॉफी किसने जीती। शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान का बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ बिजनेस समेत आज किसी का भाई किसी की जान गाने के रिलीज होने समेत जाने एंटरटेनमेंट जगत की खबरें। आज शाम 7 बजे से बिग बॉस 16 का ग्रैंड फिनाले शुरू होगा। सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो में प्रियंका चाह चौधरी, शिव ठाकरे, एमसी स्टैन, शालिन भनोट और अर्चना गौतम ने टॉप 5 में जगह बनाई है। ग्रैंड फिनाले में स्टार स्टडीड इवेंट होने वाला है जिसमें कई एक्स कंटेस्टेंट और टीवी जगत के नामी सितारे स्पेशल डांस परफॉर्मेंस में ग्रैंड फिनाले में 4 चांद लगाएंगे। शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान का जादू 500 करोड़ के करीब पहुंचा पठान का कलेक्शन। शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान का जादू अब भी दर्शकों के बीच कायम है। पठान बॉक्स ऑफिस पर खूब पसंद की जा रही है। फिल्म को रिलीज हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं और इतने दिनों तक फिल्म का कलेक्शन 400 करोड़ के पार हो गया है। पठान फिल्म 25 जनवरी को थिएटर्स में लगी थी और मूवी का कुल कलेक्शन 474 करोड़ के करीब पहुंच गया है। फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के काफी करीब है। बाहुबली 2 ने 510 करोड़ की कमाई की थी। राणा दुग्गुबाती सुरेश राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बाहुबली के एक्टर राणा दुग्गुबाती और उनके पिता सुरेश बाबू पर जमीन हत्याने का मामला दर्ज करवाया गया है। ये शिकायत हैदराबाद के बिजनेसमैन प्रमोद कुमार ने दर्ज करवाई है। सिद्धार्थ क्यारा ने खरीदा नया। बी टाउन के न्यू कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और क्यारा आडवाणी ने शादी के बाद दिल्ली में दोस्तों और रिश्तेदारों को रिसेप्शन पार्टी दी। दिल्ली में रिसेप्शन के बाद यह कपल मुंबई के लिए रवाना हो गया जहां बॉलीवुड स्टार्स की दूसरी रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया जाएगा। शादी के बाद क्यारा और सिद्धार्थ नए घर में शिफ्ट होंगे जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार थार में मौजूद है। सुर्खियों में राखी सावंत, आदिल खान का मामला। राखी सावंत अपने पति आदिल खान के बारे में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे करती है। हाल ही में उनके पूर्व पति रितेश ने कहा कि वे राखी के साथ हैं। उन्होंने आदिल पर आरोप लगाया कि फेमस होने और पैसे हड़पने के मकसद से आदिल ने राखी से शादी की। राखी हर दिन आदिल की याद में नए नए पोस्ट साझा करती हैं। हाल ही में उन्होंने कहा उन्हें धमकियां मिल रही हैं कि अगर वह चुप नहीं हुई तो उनके सारे वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे।